हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मन्नू क्रिएशंस। आज की वीडियो में हम आपको ब्लाउज का बैक साइड में डिजाइन करना सिखाएंगे। ओके, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मेन फैब्रिक और अस्तर दोनों में हम बैक साइड का कट करके रखे हैं। इसका गला का डिजाइन करना सिखाएंगे। इसको हम पहले हटा लेते हैं और अस्तर में इस तरह, ये डीप गला है तो इसलिए यहाँ पर 2 इंच रखेंगे और यहाँ से गला का लंबाई हम लेंगे 9.5 इंच। आप जितना भी डीप या कम डीप अपने हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ से इसका चौड़ाई रखेंगे 3.5 या 3 पे रखिए। हम इसके बीच में यहाँ पर ले लेंगे 3 इंच 2 पॉइंट और यहाँ से इसको थोड़ा सा तिरछा यहाँ पे मिलाएंगे, थोड़ा सा ऊपर लेकर के, और फिर यहाँ से इस लाइन को मिला लेंगे और ये डीप गला है तो इसका थोड़ा सा तिरछा हम यहाँ पे कट करेंगे और वहाँ ऊपर मिला लेंगे। बस यहाँ हल्का तिरछा करना है। अब इसको कट कर लेंगे। अब इसको मेन फैब्रिक में इस तरह से रख के पहले कच्चा सिलाई हम चारों साइड से लगा लेंगे। इस तरह से देखिए, इसको कच्चा सिलाई लगा लिए हैं और ये देखिए, ये जो गला को कट करके हम यहाँ पर निकाले हैं, इसी को यहाँ पर रख के पट्टी निकाल लेंगे। और ये आपका साड़ी का जो भी मैचिंग का कपड़ा हो उसी से आप बनाइए। ये इस तरह से रखेंगे और यहाँ से पट्टी हम निकाल लेंगे। अब इसको यहाँ पर अटैच करेंगे। देखिए, इस तरह से पट्टी को रखेंगे और कॉर्नर को मिला के रखे हैं। अब इसके किनारे किनारे 2 पॉइंट छोड़ करके सिलाई करेंगे। अब ये जिस तरह से कॉर्नर के पास में कट करते हैं वो उसी तरीके से कट करेंगे। ये सिलाई कट आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए, पाइपिंग वाला डोरी लिए हैं, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और पाइपिंग लगाते जाएंगे। ऐसे मोड़ के रखेंगे, यहाँ पे बीच में है ना, यहाँ पे सिलाई करना है। और सिलाई करते हुए बिल्कुल यहाँ एकदम कॉर्नर के पास में सुई को लेके आना है। इसके बाद फिर इधर टर्न लेंगे। आपको पाइपिंग बनाना सीखना है तो अलग से इसका वीडियो बनाए हैं जिसमें 2 तरीके से पाइपिंग बनाना सिखाए हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, आप वहां से जा करके देख लीजिएगा। देखिए, एकदम कॉर्नर के पास में आ गया। अब सुई को अंदर ही रखेंगे और इसको इस तरह से टर्न लेंगे। अब ये धागा को फिर से यहाँ पर ऐसे रख के इसको मोड़ लेंगे और फिर इसको मोड़ करके सिलाई करते जाना है। फिर यहाँ पर कॉर्नर के पास आ करके ऐसे रोक करके और फिर इधर मोड़ करके इस तरह से सिलते जाएंगे। देखिए, एक ही पट्टी में हम इस तरह से पाइपिंग निकाल लिए हैं और कहीं पर भी हम कट करके नहीं जोड़े हैं। जैसे यहाँ पे कॉर्नर आया तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि यहाँ पे कट लगा करके फिर
इधर से स्टार्ट करते हैं। तो हम कोई भी कट नहीं लगाए हैं, बस गला का शेप में पट्टी को निकालें और फिर कॉर्नर को कट करके और पाइपिंग लगाए हैं। आप भी ट्राई करें इस तरह से, और ट्राई करके हमें कमेंट बॉक्स में अपना अनुभव जरूर बताएं। अब यहाँ पर इसका टक्स लगाएंगे। टक्स लगा लिए हैं दोनों तरफ। अब इसको मोड़ के यहाँ पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये पट्टी को पीछे से मोड़कर सिलाई कर लिया है। अब यहाँ पर हम लैस लगाएंगे। तो ये दो टाइप का लैस है, दो अलग अलग है। ये दोनों को हम इस तरह से लगाएंगे यहाँ पर और फिर इसके ऊपर इस तरह से, और ये दो लाइन में हम लगाएंगे, इधर नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से एक साइड लगाए हैं। अब दूसरा साइड में भी इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों साइड में लैस लगा लिए हैं। अब ये लंबा लंबा, ये छोटा छोटा जितना भी आपका पास बचा हुआ है कपड़ा, तो उसका 2 इंच चौड़ा करके इसको कट कर लिए हैं। और ये कुछ पीस में, 3-4 पीस में हम इस तरह लंबा लंबा हम कट किए हैं। और इसी तरीके से ये गोल्डन वाला पीस भी कट किए हैं। अब इसको इस तरह से लगाएंगे। इसको देखिए यहाँ पर इस तरह से रखेंगे और डबल इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर इस तरह से लगाएंगे। नीचे में इसको सिलाई करेंगे। और सेंटर के थोड़ा सा आगे आकर के इसको हम कट करेंगे। इसको निकालेंगे। अब देखिए ये गोल्डन वाला है पट्टी, इसको भी इसी तरीके से यहाँ पे इस साइड लगाना है। यहाँ पर ऐसे रखेंगे, ये सेंटर है, यहाँ पर कॉर्नर मिला करके इस तरह से और सिलाई करेंगे। इसको सीधा यहाँ पे इस तरह से सिलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे सुई थोड़ा खराब हो गया था, तो इसको चेंज कर लिए हैं सुई को। इससे देखिए कपड़ा कितना खराब हो गया। अब इधर लगाएंगे तो ये देखिए फिर से गोल्डन लिए हैं। अब इसको चेंज करेंगे, यहाँ पर हम सी ग्रीन का कलर का लगाए हैं, तो अब यहाँ पर ये कलर लगाएंगे। देखिए ये सिलाई है, सिलाई के ऊपर इस तरह से रखेंगे ऐसे, और इसको यहाँ पर सेंटर के पास में लाएंगे। पर देखिए सेंटर में यहाँ पर यहाँ तक लाएंगे, इसको सेंटर से थोड़ा आगे तक ही यहाँ पे सिलाई करेंगे। अब इधर दूसरा कलर का लेंगे और दोनों तरफ चेंज करके ये लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे सेंटर पे ध्यान रखेंगे, ये देखिए सेंटर है, यहाँ पे सेंटर मिला करके इस तरह से रखेंगे और फिर इसको सीधा यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। Thank you.
देखिए ये छोटा हो गया, तो इसको जॉइंट कर लेंगे और फिर सभी को जॉइंट करके फिर इसमें लगाना स्टार्ट करेंगे। इसको यहाँ पर देखिए इस तरह से फैला लेंगे दोनों साइड से और यहाँ पर ऐसे मोड़ के अब इसको लगाते जाएंगे यहाँ पे। अब देखिए सबको सीधा कट कर लेंगे। अब किनारे से सिलाई कर लेंगे। अब यहाँ पर पट्टी लगाएंगे नीचे। इस तरह से देखिए ये डिजाइन बन गया है और पीछे देखिए तुरपाई भी कर लिए हैं। और इसमें अगर आपको डोरी लगाना है, आप लगाना चाहते हैं तो आप डोरी लगा लीजिए। और आपको ये डिजाइन कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताएं और वीडियो किसी के लिए हेल्पफुल है तो उसको शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।